नमस्कार दोस्तों, हमारा हॉट एयर न्यूज़ फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आर्मी लोगों की जान बचाने में, जो आर्मी देश से दूसरे देश के आतंकवादियों से, दूसरे देश के दुश्मनों से हमें रक्षा करती है, वही आर्मी जब हम किसी विपद परिस्थिति में, किसी डूबती हुई पानी में जब हम पहुँच जाते हैं, या अचानक बाढ़ या आ जाती है, सड़क दुर्घटना होता है, या किसी प्रकार कुछ भी घटना घटित होती है, तो सबसे पहले वो आर्मी ही हमारी साथ देती है। सबसे बड़ा ये न्यूज़ ये है कि अरब सागर में आपको पता होगा कि वहाँ पर तेल की फैक्ट्री है, जहाँ पर लोग हमारे भारत के एक जहाज़ गई थी पी बाजरा, उस जहाज़ में 261 लोग शामिल थे। उस जहाज़ जब वहाँ पर पी बाजरा पर गया, अचानक समुद्र की लवा की लहरें इतनी तेज़ी से मारी कि वो जहाज़ पी बाजरा 305, जहाँ पर 261 लोग शामिल थे, वो डूबने की स्थिति में आ गई, और यूँ कहा जाए कि डूबने ही लगी। और उसके बाद आर्मी के जवानों ने, नौसेना के जवानों ने उसको बचाने की कोशिश की, और 261 लोगों में से 189 लोगों को अब तक बचा लिया जा चुका है, जबकि 26 लोग का मौत हो गई है, और अभी 100 कुछ लोग अभी भी लापता है। लेकिन ये नौसेना के जवान उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और वहाँ पर जो भी नौसेना के जवान थे, उन्होंने कहा, सारे वहाँ पर 261 लोग जो मौजूद थे, उनको कहा गया कि आप लाइफ जैकेट पहन लें, ताकि आपको यहाँ पर बचाया जा सके। जब वो पी बाजरा 305 जब उस अरब सागर की समुद्र में जब डूबने लगी, उसके बाद सभी लोगों ने लाइफ जैकेट पहन लिया। उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई चारा ही नहीं था, सिर्फ उस समुद्र में छलांग लगाने की। सभी लोगों ने छलांग लगा दी, लेकिन अभी भी नौसेना को कुछ उम्मीदें बचा हुआ है, क्योंकि जितने भी वहां पर मौजूद थे, वो सभी ने लाइफ जैकेट पहन ली थी, और इसलिए उसको बचाने की अभी भी कुछ उम्मीदें जारी है। और इस न्यूज़ को सुनने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई भ्रमण करके उनकी जानकारी ली, और गुजरात और दीव में भी अचानक जोर से तूफान आई, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोग परेशान हुए, उसकी भी मोदी ने काफ़ी ध्यान से उसके बारे में कहा कि इसको हर हाल में बचाना ही होगा। जबकि दूसरी तरह बताऊं कि भारत देश कोरोना वायरस की चपेट में काफ़ी परेशान है, और इसको भी देखते हुए इस प्रकार घटना घटित हो रही है। दोस्तों, आप दुआ करें कि इस प्रकार घटना हमारे भारत देश में ना हो। इस प्रकार की न्यूज़ को सुनने के लिए हमारा हॉट एयर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और लाइक करें, ताकि मैं आपके बीच नए से नए और खूबसूरत से खूबसूरत वीडियो आपके बीच लेकर आता रहूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।